भाजपा ओबीसी मोर्चा के कौमी प्रधान डॉक्टर के लक्ष्मण अज चंडीगढ़ पुजे जिथे उन्होंने भाजपा दफ्तर विखे वर्करां नाल मीटिंग की है। उन्होंने कहना है कि मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए इतिहासक कार्य किए हैं। उन्होंने कहना है कि मंत्रिमंडल विच एसईबीसी नूं शामिल किया है, उसके नाल ही नीट विच 27% पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों नूं राखवांकरण दिता है। डॉक्टर लक्ष्मण ने इस मौके पर कांग्रेस सरकार से जम के निशाना साधिया है। उन्होंने कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कदे भी पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य अंग बनकर देश भर में जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, आज 28 राज्यों में हमारा कमेटी गठन हुआ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस 7 साल के अंदर मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर पिछले महीने में नीट मेडिकल सीट्स अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में भी 27% पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए पहली बार आरक्षण देना, लगभग 4,500 छात्रों को देश भर में ये फायदा होना रहा है। और इस वर्ष में पहली बार केंद्रीय विद्या संस्थाओं में, केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदया सैनिक पाठशाला में लगभग 60,000 से लेकर 70,000 तक पिछड़ा वर्ग समाज के छात्रों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है 27%। और आज़ादी के 75 साल के बाद जो मंत्रिमंडल का मोदी जी सरकार गठन किया, लगभग 70% बीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज को पहली बार भागीदार मिला है, उसमें 27 ओबीसियों को मंत्रिमंडल में जोड़ना ये पहली बार है। ऑलमोस्ट 30% ओबीसीज गॉट रिप्रेजेंटेशन इन द यूनियन मिनिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 12 लोग अनुसूचित जाति और 8 लोग अनुसूचित जनजाति एसटी आदिवासी गिरिजन, और 11 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। उसके अलावा माइनॉरिटीज 5 लोगों को माइनॉरिटीज में जोड़ना, माइनॉरिटीज मतलब कांग्रेस के डिक्शनरी में तो सिर्फ मुस्लिम का ही माइनॉरिटी समझते, मगर मोदी जी ने मुस्लिम के अलावा सिख ईसाई जैन बौद्ध उनका भी रिप्रेजेंटेशन पहली बार दिया गया मोदी जी सरकार। ये हम जो सबका साथ सबका विकास जो नारा हम जो देते हैं बार बार, ये सामाजिक न्याय सूत्र समाज के पूरे वर्गों को इसमें जोड़ना, उतना ही नहीं पहली बार जो सीमा थी क्रीमी लेयर का मोदी जी सरकार आने के बाद 6 लाख से 8 लाख बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो कर्मचारी थे उन बच्चों को ये आरक्षण का सुविधा नहीं था, पहली बार मोदी जी आने के बाद उन बच्चों को भी पहली बार आरक्षण दिया जा रहा है। उसके अलावा मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री अलग बजट, जो समुद्र तीर देश भर में लाखों संख्या परिवार जो मछुआरे पे जो जीते उनके लिए अलग मिनिस्ट्री बनाया अलग बजट, उनके लिए भी अलग सब्सिडी 50%। और पिछले पार्लियामेंट में 127 एक्ट अमेंड कर अपने अपने राज्यों को सरकारों को पूरा
स्वतंत्र दिया कि किन समाज को या ओबीसी में जुड़ना या निकालना, उसी सरकार को जिम्मेदारी सौंपा। द स्टेट्स हैव बीन गिवन फुल पावर्स वेदर टू इंक्लूड एनी कम्युनिटी आर कैस्ट इनटू ओबीसी और नॉट। इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण के उच्च न्यायालय का जजमेंट के बाद जो मराठों का आरक्षण देने का सरकार को जो हक नहीं था, ऐसा जो जजमेंट था, उसके माध्यम से पार्लियामेंट में भी ऐसा।